अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की वीडियो का टाइटल पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं MJ 33 रिंग लाइट की और देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ इस तरह का बॉक्स इसका देखने को मिलता है और मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अनबॉक्स करते हैं और बाकी बातें बाद में। तो दोस्तों, इसका पहला लुक जो है अनबॉक्सिंग का होता ही, इसमें हमें सबसे पहले मेन रिंग लाइट मिलती है और उसके बाद ये हमें इसका मूव करने वाला फ्री स्पिनर मिलता है। उसके बाद हमें ये मोबाइल पकड़ने वाला होल्डर मिलता है और ये इसकी USB है। और ये क्या है दोस्तों, ये इसका मोबाइल होल्डर का है, पीछे लगता है मोबाइल होल्डर के, जिससे ये मूवेबल है, सॉरी इधर लगता है, ये मिलता है। इसके बाद ये हमारी मेन रिंग लाइट मिलती है हमें। ये हमारी मेन रिंग लाइट है जिसको हम लगा के भी टेस्ट करेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट है। और इसके अंदर कुछ बटन्स भी मिलते हैं, मैनुअल, RGB, ऑन ऑफ और अप डाउन का। अप डाउन मतलब ब्राइटनेस आप ज़्यादा और कम करेगा इसकी। और ये USB से लगता है। बहुत से लोग गलत समझते हैं कि यार इसके साथ केबल वगैरह आती है जिसमें ये केबल से डायरेक्ट लगता है, लेकिन केबल के साथ नहीं लगता है, ये USB आती है। USB के साथ आपको लगा के किसी के डॉक्टर के साथ उससे आपको चलाना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या सब रिजल्ट है इसका। दोस्तों, मैंने अपनी रिंग लाइट अडॉप्टर में लगा ली है और अडॉप्टर में लगाते ही इसकी ये ब्लू लाइट चल जाती है, यानी कि इसका मतलब है करंट पास होने लग गया है इसमें। और अब इसको हम ऑन कर लेते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि कैसा रिजल्ट है। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा सॉफ्ट लाइट सा वाइट कलर है। उसके बाद मैं इसके मैनुअल मोड्स पहले आपको चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर मैनुअल मोड्स क्या क्या मिलते हैं। ये पहला वाइट कलर है, उसके बाद ये वार्म कलर है और ये ऑफ वाइट कलर है। तो इसमें आपको ये तीन कलर बेसिक मिलते हैं। उसके बाद इसमें RGB कलर्स आते हैं, रेड कलर हो गया, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल और ब्लूइश, लाइट ब्लू बेसिकली कह सकते हैं आप इसको। बाकी ये मोड्स आते हैं, इसके डिफरेंस ये कलर चेंजिंग वाला है, अलग अलग कलर में फेड होके चेंज होने वाला इफेक्ट इसमें दिया हुआ है। रैम्बो इफेक्ट जिसकी वजह से फेमस है, रैम्बो इफेक्ट दौड़ लगाने वाला इफेक्ट है, ये दौड़ लगाने वाला। ये सारे इफेक्ट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ ये इफेक्ट्स थे जो इसके अंदर मिलते हैं। दोस्तों, ये थी रिंग लाइट MJ 33 जिसके मैंने RGB कलर्स बताए आपको कौन कौन से आते हैं और मैनुअल कलर्स भी दिखा दिए। बाकी आप इसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट मैनुअल मोड में दिखाता हूँ। ऑफ वाइट कलर में इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो सकती है, ये बिल्कुल लो कर दी मैंने इसकी ब्राइटनेस, ये हाई कर दी, मैक्सिमम करके दिखा देता हूँ आपको, ये मैक्सिमम इसकी है, मैक्सिमम रिंग लाइट की इतनी ब्राइटनेस है। और अगला कलर पे भी, इससे अगले कलर पे भी। तो दोस्तों, ये थी MJ 33 रिंग लाइट जिसके बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट बताए और अनबॉक्सिंग करके बताई। बाकी इसको मैं यूज़ करूँगा तो इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि यार अनबॉक्सिंग करने के बाद फ़ौरन तो रिजल्ट नहीं बता सकता कोई भी, थोड़ा टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। और बाकी फैक्ट वगैरह अच्छे हैं इसके, नॉर्मल रिंग लाइट, बजट रिंग लाइट के अंदर आ सकती है, इसको कहा जा सकता है कि बिल्कुल बहुत अच्छी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिड रेंज के अंदर ओके कहा जा सकता है। और अगर इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोकल मार्केट से जाके परचेज करें, उधर से आपको सस्ती मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी। बेसिकली मैंने इसको 2200 रुपये में परचेज़ किया और मुझे लगता है कि इसकी 2000 से 2200 के बीच बीच ही प्राइस है, मुझे थोड़ी सी महंगी मिली है। लेकिन ऑनलाइन अगर आप बात करते हैं, ऑनलाइन इसकी प्राइस है 2500 से 2800 रुपये के बीच में। तो ऑनलाइन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी है, खरीद सकते हैं बिल्कुल। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने ये परचेज करने चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को लाजमी देख लें, परचेज करने से पहले इसकी लाइटिंग को ज़्यादा देख लें, क्योंकि इसके ब्राइटनेस और इतनी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यार आप खरीद लो। ब्राइटनेस का भी इफेक्ट होता है वीडियो के अंदर, ब्राइटनेस भी बहुत मैटर करती है। तो इसको खरीदने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप
सोच समझ के लिए। अगर आप तो नॉर्मल सी वीडियोस के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल पे जाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इसको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।